आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमवार को कुम्हारों के उत्थान हेतु महिला मंडल जनसेवा समिति द्वारा नगर के चौधरी गेस्ट हाउस में दीपों का मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले की शुरुआत अजमतगढ़ की पूर्व चेयरमैन श्रीमती नीतू जायसवाल और समाज सेवी नीतू सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। पिछले 6 वर्षों से महिला मंडल परिवार कुम्हारों की खुशियों भरी दीपावली के लिए मेले का आयोजन करवाती रही है। महिला मंडल सचिव पूनम सिंह ने बताया कि कुम्हारों में इस वर्ष वह उत्साह नहीं रह गया। एक तो उन्हें मिट्टी मिलना दुर्लभ हो गया है, दूसरे इस वर्ष बाढ़ की वजह से उन लोगों को बहुत नुकसान हो गया है, मिट्टी पानी में बह गया, इसलिए और ज्यादा दिए वगैरह नहीं बना पाए। उप सचिव मधुमिता बनर्जी ने बताया कि इस वर्ष मेले की रौनक को हम लोगों ने और भी बढ़ाने की कोशिश की है। हम महिलाएं भी मिलकर स्टॉल लगा रही हैं, जैसे बुटीक, पूजन सामग्री एवं खाने पीने की सामाने और गेम्स वगैरह इत्यादि। इस अवसर पर अर्चना तिवारी, आयशा खान, अंशु श्रीवास्तव, बबीता राय, बंद्रा सिंह, सुमन सिंह, सारिका सिंह, निरुपमा पाठक, रीमा पांडे, सुष्मिता बनर्जी, सपना बनर्जी, किरण सराफ, सविता बर्नवाल आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। जी मैम, अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम के बारे में बताएं। महिला मंडल की सचिव पिछले 6 साल से उत्थान के लिए और कुम्हारों की समस्याओं के हल के मैम ये मेला कई दिन तक चलेगा? मेला एक ही दिन का, लेकिन अब सोच रहे कि अगले साल से मेला 2 दिन का चलाएगा। इसमें कौन कौन सी दुकानें लगी हुई हैं? मेले निजामबाद की ब्लैक पार्टी है और जिले के अन्य जगह जगह से, जैसे दरियागंज से, जीएनपुर से, जगह जगह से कुम्हार आए हैं। और इस साल हम जो महिलाएँ पैर पर खड़ा होना चाह रही हैं वो भी अपनी कुछ स्टार लगाई हैं, कुछ खाने पीने के स्टार लगाई हैं, कुछ पीक का लगाई है, कुछ क्ले से बने हुए जेवर का स्टार लगाए हैं। मैम क्या रिस्पांस मिल रहा है इस तरह का मेरे का अभी तक? नहीं, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है क्योंकि अभी तो बीच में थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन और नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? आजमगढ़ नगरवासियों को क्या कहना चाहेंगे मीडिया में? आजमगढ़ नगरवासियों से हमारी यही अपील है कि वो मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि जब बरसात आती है तो हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत फायदे हो जाते हैं। तो जब दीपक हम जलाते हैं तो उसमें सारे कीड़े जो जल के मर जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और हम अगर झालर जलाते हैं तो वातावरण भी वैसा का वैसा पड़ा रहता है और हमारे कुम्हारों की दीपावली भी अच्छे से मनाई जाती है। इसलिए आप लोग अपना पुराना सनातन धर्म को याद करते हुए उसी धर्रे पे चलें और दीपक जलाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।